दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल इतिहास में सबसे कम पैसे साल 2023 के सीजन में रखे हैं मिनी ऑक्शन के लिए, और सबको शॉक कर दिया है कि उनके 11 स्लॉट बाकी हैं और दूसरी टीम यहां पर इधर उधर नजर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसे हैं। बट इसका एक फ़ायदा यह है कि टीम केकेआर नए हेड कोच के अंडर अपनी पहली प्लेइंग 11 बना चुकी है। उनको केवल बैकअप या फिर बैलेंस्ड प्लेयर लेने हैं स्लॉट्स भरने के लिए। और यहाँ पर एक और दिक्कत की बात, या फिर काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा केकेआर ओपनर्स को लेकर, तो यार आज मैं सारे तरह के डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर कर लेना। सो दोस्तों, टीम केकेआर की ओपनिंग बहुत सालों से यहाँ पर दिक्कत में रही है। कुछ टाइम बीच में यहाँ पर थोड़ी स्टेबल नजर आ गई थी, शुरुआत की थी अजिंक्य रहाणे और उसके बाद यहाँ पर वेंकटेश अय्यर से, जोड़ी शुरू में अच्छी चली उसके बाद कोलैप्स कर गई। उससे पहले साल की बात करें तो शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर की एक बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बट हाँ एक और मिस्टेक टीम केकेआर ने कर दी, जैसे राहुल त्रिपाठी, सूर्य कुमार यादव ऐसे बड़े प्लेयर्स निकाल कर की थी, शुभमन गिल को भी बाहर कर दिया, बाहर नहीं करना चाहिए था, एक बहुत बड़ा लॉस टीम केकेआर ने उठा लिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ एज एन ओपनर टीम केकेआर क्या क्या लेने वाला है। सो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले प्लेइंग 11 की यहाँ पर ओपनिंग बताऊंगा, उसके बाद बैकअप बताऊंगा, फिर रिजर्व बताऊंगा, फिर सरप्राइज ओपनिंग बताऊंगा। तो है ना कमाल के डिस्ट्रीब्यूशन, ये शायद ही आप किसी और चैनल पर देख पाते होंगे, तो यार फटाफट से सब्सक्राइब तो करना ही, बट सभी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लो। फर्स्ट प्लेइंग 11 के अंदर जो इनकी ओपनिंग खेलने वाली है वो है वेंकटेश अय्यर और मार्नस लाबुशाने। तो मार्नस लाबुशाने का आना ऑलमोस्ट पक्का है, अभी खुद की अवेलेबिलिटी पे देखते हैं क्या करते हैं। बैकअप ओपनिंग, अब दोस्तों यहाँ पर वेंकटेश अय्यर तो एक स्पॉट फिक्स है, कुछ होता है तो फिनिश में जाएंगे, बट अब बैकअप हैं पॉल स्टर्लिंग और रहानामुल्ला गुरवास को, ये कर सकता है, दो भी कर सकते हैं, देखते हैं। रिजर्व की बात करें तो चेतन एलआर और समर्थ व्यास के नाम पर भी एक प्लेयर आ सकते हैं। सरप्राइज ओपनिंग है सुनील नारायण और यहाँ पर श्रेयस अय्यर की। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग टीम केकेआर की बेस्ट ओपनिंग प्लेयर क्या होगी और बैकअप कौन होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर लाइक कर दो।